गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इसके पहले के वीडियो में हमने क्रिया पर आधारित वीडियो देखे थे, क्रिया की परिभाषा देखी थी कि काम करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते थे, धातु देखे थे, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्म के आधार पर और एक संरचना के आधार। कर्म के आधार पर हमने सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं देखी थी और संरचना के आधार पर हमने सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अवरणात्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ा था। अब हम क्रिया पर आधारित अभ्यास कार्य को करेंगे। कुछ अभ्यास कार्य को करेंगे जिसमें से जो आप बाकी के अभ्यास का आपको असाइनमेंट के रूप में आपको कराया जाएगा। तो विद्यार्थी, यहां पहला अभ्यास कार्य हम जो कर रहे हैं उसमें है कि प्रेरणार्थक क्रिया बनाकर लिखिए। प्रेरणार्थक क्रिया बनाकर वाक्य पुनर्लिखिए या दोबारा लिखिए। अब प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हमने इसकी पहले के वीडियो में हमने विद्यार्थी सीखा था कि प्रेरणार्थक क्रिया वह होती जो कर्ता स्वयं न करके किसी और से करवाता है, स्वयं न करके किसी और को करने की प्रेरणा देता है या उसे करवाता है, उसे हम क्या कहते थे, प्रेरणार्थक क्रिया कहते थे। अब यहां पर वाक्य दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया को बनाना है। अब वहां पे भी दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया आपने विद्यार्थी बनाना सीखा था, एक में आना लगाकर, जैसे लिख है तो लिखाना, और दूसरा है लिखवाना, वाना जोड़कर। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, तो दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाओं को आपने पढ़ा था, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना जोड़ा जाता है और दूसरे में वाना, मुख्य क्रिया को बनाते समय। अब यहां पर उसी प्रकार के पांच वाक्य दिए गए हैं, इनमें से जो कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं उनका प्रयोग करके प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया में परिवर्तित करना है और वाक्य को पुनर्लिखना। पहला वाक्य पढ़िए विद्यार्थी, अध्यापिका ने कविता सुनाई। अब यहाँ अध्यापिका काम कर रही है, अब उसको बच्चा शब्द है, तो अध्यापिका ने बच्चों से कविता सुनी। अध्यापिका ने बच्चों से कविता सुनी। अध्यापकों ने बच्चों से कविता सुनी। तो यहां अध्यापिका कामना कर कर बच्चों से वो कविता सुन रही है, स्वयं न करके किसी और से करवा रही। दूसरा वाक्य देखिए विद्यार्थी, रमेश ने गाना गाया। तो यहाँ रमेश ने गाना गाया, तो उसको दो तरह से हम बना, चाचा को आप कर्ता ले रहे हैं तो रमेश को हम हुआ प्रेरणार्थक क्रिया बना रहे हैं, या रमेश को हम कर्ता ले रहे हैं तो चाचा को प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं। जैसे रमेश ने चाचा से गाना गवाया या चाचा ने रमेश से गाना गवाया, दोनों ही वाक्य किसी रूप में आप कर रहे हैं वह सही होगा। तो यहाँ चाचा बड़े हैं, चाचा ने रमेश से गाना गवाया, स्वयं करके रमेश से वो काम करवाते हैं। विद्यार्थी अब यहां आ जाए तीसरे वाक्य की तरफ, नौकर ने कपड़े धोए। यहां कर्ता कौन है, नौकर, और मां का उन्होंने कहा प्रयोग करके उसको प्रेरणार्थक क्रिया बनाई। तो मां ने
नौकर से कपड़े धुलवाए। माँ ने नौकर से कपड़े धुलवाए। माँ ने नौकर से कपड़े धुलवाए। माँ स्वयं काम नहीं कर रही है, नौकर से वो काम करने के लिए प्रेरित कर रही है या उनसे करा रही है। अगला वाक्य देखें, चौथा, कुम्हार ने घड़ी बनाए तो लड़कों ने, आप दोनों तरह से आप बना सकते हैं, कुम्हार ने लड़कों से घड़े बनवाए या लड़कों ने कुम्हार से घड़े बनवाए, दोनों रूप में आप लिख सकते हैं। तो यहां लिखा है लड़कों ने कुम्हार से घड़े बनवाए। लड़कों ने कुम्हार से घड़े बनवाए। बनवाए जो है वह प्रसंग क्रिया हो जाएगा विद्यार्थी, प्रेरणार्थक क्रिया। अब अंतिम वाक्य देखते हैं, सुबोध ने कहानी लिखी। अब अध्यापिका का प्रयोग करना है और उसको क्या बनाना है, प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है। अध्यापिका ने सुबोध से विद्यार्थी इस अभ्यास में आपने देखा कि कर्ता का चयन करके दूसरे चीजों को जोड़कर कैसे हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं, यह हमने सीखा। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में समझाया जाएगा। धन्यवाद।